क्या मैं दिख रही हूँ थोड़ा बहुत? आदरणीय नेतागण जो मेरे साथ मंच पे बैठे हैं और आप सब जो यहाँ मेरे सामने हैं, जो आपका शीर्षक है वो बहुत अहम है. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कशन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर एंड आई डू होप दैट ऑल ऑफ अस विल लर्न. मेनी ऑफ अस थिंक ऑफ दीज थिंग्स बट आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट देम बिकॉज द एटमोसफियर यू मस्ट बी नोइंग एंड मस्ट बी फीलिंग ऑफ पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली has gone down. We should be doing things which are for the good of the country, which are good for every segment of society, whatever their religion or whatever their language may be. And we should also be doing things which make our nation rise. And I must admit, in all humility, that it is the Congress which has done all this. The Congress has been looking after this country. I'm using the word looking after this country especially to say that the Congress has dedicated itself to the country. It has never looked at it selfishly. It has never looked at positions as something that is for me or mere liye hai, isse main mujhe kuch fayda hone wala hai. Desh ko kya fayda hota hai us taraf hamari नज़र हमेशा गई है. ये हमें सिखाया जाता है. और मेरे साथ इस डायस पर सब वो लोग बैठे हैं जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती है. और इतना मैं कह सकती हूँ कि ये विचारधारा जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बल्कि महात्मा गांधी पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, और उसके बाद लगातार जब जब कांग्रेस यहाँ रही है तब तक चलती रही है. और जब जब कोई और थोड़े दिन के लिए या 5 साल के लिए या 7 साल के लिए कोई और पार्टी आई है तो इस देश की जो गरिमा है वो थोड़ी बहुत नीचे उतरी है. इस पर हमें ध्यान देना चाहिए. आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग बड़े चिंतित लोग हैं, आप सब लोग जब पहचानते हैं कि क्या है, आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है. और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी अंत में कि हमारे लिए मैं नहीं है इम्पोर्टेंट, हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कल्चर इम्पोर्टेंट. और अगर जो हम देश को अपने सामने, समाज को अपने सामने रखते हैं तो कोई ऐसी शक्ति नहीं इस दुनिया में जो हमको हरा सकती है या हमको नीचा दिखा सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.